तो जो टॉपिक है उसका नाम है मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ फ्रॉम फैराडेज लॉ। इंपॉर्टेंट है ये। तो आपने क्या करना है, सपोज ये रेल्स हैं ऐसे इमेजिनरी, कुछ भी मूवेबल तो है नहीं, ये रॉड मूवेबल है। जब ये रॉड मूव कर रही है तो मान लो वी वेलोसिटी से मैं इसे यहाँ लेके आ रहा हूँ, तो ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को कट करती हुई जा रही है, तो इस रॉड में ईएमएफ जनरेट हो जाएगी। क्लियर है? और सबको पता है इसकी वैल्यू क्या होगी, बीएलवी। लेंथ इसकी एल है तो बीएलवी। पर हमें क्या करना है, इसे प्रूव करना है। तो जब पेपर में आएगा तो प्रूव कैसे करना है, आपने ये डायग्राम बनाना है, आपने ये देखना है इसकी लेंथ क्या है एल और ये डिस्टेंस कितना है एक्स। अब एक्स चेंज होता जा रहा है जैसे जैसे रॉड लेफ्ट मूव करती जा रही है, एक्स कम होता जा रहा है। एक्स कम हो रहा है तो ये एरिया कम हो रहा है, एल इंटू एक्स कम हो रहा है। एरिया कम हो रहा है तो फ्लक्स कम हो रहा है, फ्लक्स कम हो रहा है इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाएगी। क्लियर है यहां तक? तो फ्लक्स की वैल्यू है क्या, इसका एरिया इस टाइम कितना है इंस्टेंटेनियस एल इंटू एक्स, तो ये आपने लिखना है इसमें एरिया एल इंटू एक्स। तो फ्लक्स क्या है, बी इंटू एरिया, बी इंटू एल इंटू एक्स। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, माइनस डी फाई बाई डी टी, तो फाई की जगह बी एल एक्स, तो बी और एल कॉन्स्टेंट है, एक्स चेंज हो रहा है तो डी एक्स बाई डी टी क्या वेलोसिटी वी, और रादर माइनस वी। माइनस वी क्यों, क्योंकि एक्स कम हो रहा है। जब एक्स डिक्रीज हो रहा होता है तो ये रेट ऑफ चेंज क्या होता है नेगेटिव, जब एक्स इंक्रीज हो रहा होता है तो डी एक्स बाई डी टी क्या होता है पॉजिटिव। तो यहाँ पर माइनस वी क्योंकि लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, तो मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला क्या आएगा, बी एल वी। इंपॉर्टेंट मार्क करें इसे प्लीज टॉपिक को।